तो खबर आजमगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को सगरी तहसील का आकस्मिक निरीक्षण किया, जनता की समस्याओं को सुना और उनके तत्काल निस्तारण का निर्देश दिया। भाजपा नेता दिवाकर सिंह द्वारा खारिज दाखिल में जानबूझकर देर किए जाने के मामला उठाने पर एक महीने के अंदर सभी लंबित मामलों को निस्तारित कर रिपोर्ट मांगी है। मंगलवार को प्रभारी मंत्री अचानक तहसील में आ पहुंचे और SDM से राजस्व से संबंधित लंबित मामलों की जानकारी ली। इस बीच भाजपा के दिवाकर सिंह ने मंत्री से शिकायत करते हुए कहा कि खारिज दाखिल के मामले में जानबूझकर देरी की जाती है और 10 साल से मुकदमे लंबित पड़े हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। शिकायत पर उन्होंने प्रभारी मंत्री के नामांतरण का रजिस्टर तलब किया और एक माह के अंदर सभी मामले निपटाने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री ने तहसील सभागार में जन समस्याओं को सुना। लगभग 11 लोगों ने अपनी जन समस्याएं मंत्री के सामने पेश की। जन समस्या की सुनवाई करते हुए सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि राजस्व से संबंधित मामले नियम और कानून के तहत निपटाए जाएंगे, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सगड़ी नरेंद्र कुमार गंगवार, भाजपा नेता मनीष कुमार मिश्रा, पूर्व विधायक वंदना सिंह, पप्पू सिंह, दिवाकर सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। आज सगड़ी तहसील का मैंने आकस्मिक निरीक्षण किया, यहाँ के जनता के लोगों से बातचीत भी किया, कुछ लोगों के आवेदन पत्र मिले हैं, उनका न्याय संगत निराकरण किया जाएगा और अभी कुछ चीज़ें और मुझे देखनी है। देखने के बाद जो वैधानिक कार्रवाई कोई जगह से होना चाहिए कोई जगह से कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जनता की समस्याओं को भी सुना गया आपके द्वारा, सर इसमें क्या मतलब किस तरह की समस्याओं की आपने सुना गया? वो पैमाइश के और कुछ जमीन विवाद के मसले हैं। जो पैमाइश और जमीन के विवाद के मसले हैं वो न्यायालय की एक प्रक्रिया है, जो रेवेन्यू कोड बना है उसके मुताबिक एक उनका त्वरित विस्तारण किया जाना ये प्रशासन और न्यायिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है। तो इस बारे में मैं उनको अभी बातचीत करूँगा, उसके आवश्यक निर्देश।